हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपसे रोज़ प्लांट लगाने का एक ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूं जिससे कि आपकी रोज़ प्लांट की कटिंग कभी फेल नहीं होती है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं बारिश से ज़्यादा विंटर एंड या फिर विंटर स्टार्ट होने से जब स्टार्ट होती है उस टाइम मैं कटिंग लगाती हूं, जिससे कि मेरी कटिंग बहुत ही अच्छे से चल भी जाती है। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जो कि कटिंग लगाने के बाद जिन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैं उसी तरीके से अपना ये कटिंग लगा के प्लांट बनाती हूँ। तो मेरे पास पहले भी बहुत सारे रोज़ के प्लांट थे, लेकिन जो रोज़ के प्लांट पुराने हो जाते हैं उनमें फूल देने की क्षमता जो है वो कम होने लगती है और नीचे से रूट बाउंड भी हो जाता है। तो मैंने जो मेरे पुराने रोज़ प्लांट थे उनको मैंने प्रून कर दिया और उन्हीं से मैंने कटिंग लेकर लगाई है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, मेरा रोज़ का प्लांट है जो कि पुराना हो चुका है। तो मैंने मोटी ब्रांचेस रखी हैं और वो ब्रांच रखी हैं जिस पर कि कलियाँ हैं, और बाकी ब्रांच सब रिमूव कर दिया है। यहाँ से भी कट करना था, और इसके अलावा ये भी एक प्लांट है जिस पर कि कुछ कलियाँ हैं तो उनको छोड़ दिया है, बाकी को हटा दिया है। रूट बाउंड भी हो चुका है। तो अभी चलिए दिखाती हूँ कि मैंने कैसे कटिंग लगाया और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये पहले मैं आपको कटिंग दिखा देती हूँ। ये पिटूनिया की कटिंग है जो कि मैंने दो तीन दिन हुए इसको लगाया। इसमें मैंने हाइब्रिड बिंगा की सीडलिंग भी की है। तो गाइस देखिए, ये मैंने गुलाब की बहुत सारी कटिंग इस तरीके से लगाया है। हालांकि मैं इस तरीके को पहले भी अपना चुकी हूँ और काफ़ी सफलता मिली है। तो इस टाइम इसमें बहुत सारी कटिंग है। उस टाइम जब मैं लगाई थी तो उसमें दो या तीन ब्रांच मैंने एक साथ लगाई थी। और जो ये मिट्टी है, ये मिट्टी नहीं है, इसमें बहुत थोड़ी मात्रा में मिट्टी और बाकी सारी जो रेड वाली मिट्टी रेत होती है उसको मैंने इस्तेमाल किया है। और सारे को यहाँ पे लगाकर मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे थोड़ा धूप और छांव भी आता रहे, प्लस इसे कोई चिड़ियाँ वगैरह इस पे आके इसको हिलाए ना, क्योंकि कटिंग तब हमेशा फेल हो जाती है जब ये हिल जाए तो उसका रूट नहीं बन पाता है। साथ ही जब भी हम कटिंग लगाएं, वैसे तो मैं कटिंग लगाती थी तो किसी गमले में एक कोने खोस देती हूँ तभी कटिंग मेरी चल जाती है। लेकिन उस कंडीशन में अगर आप यूरिया के कुछ दाने उस गमले में डाल रहे हैं या कोई सभी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो आपकी कटिंग निश्चित रूप से फेल हो जाती है। तो इस बात का भी आप ज़रूर से ध्यान रखें। बाकी मैंने देखिए इस तरीके से कटिंग लगाई, इसकी मैं अपडेट देते रहूँगी। मैं सारे पत्ते इसके रिमूव कर चुकी हूँ और पानी मैं इसमें दे चुकी हूँ इतना कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक नमी रहेगा, लेकिन जो कटिंग है उसको सड़ने नहीं देगा क्योंकि विंटर का टाइम है तो नमी इसमें काफ़ी टाइम तक होल्ड रहेगी। और मैंने इसमें पानी, इसको लगाने के बाद पानी ऊपर से नहीं डाल के इसको एक पानी से भरे बर्तन में मैंने रख दिया था, ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। और इसका जो ड्रेनेज है वो भी मैंने काफ़ी अच्छा रखा है। तो ये जब इसकी जो भी कंडीशन होगी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से विश्वास हो जाए कि नहीं, इस तरीके से कटिंग बहुत ही आराम से चल जाती है। और हाँ, जब कटिंग में बहुत सारे पत्ते निकल जाए, ब्रांचेस 2 से 3 इंच तक बड़ी हो जाए, तब उसे अलग पॉट में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऊपर से ग्रोथ तो दिखती है पर अंदर नीचे मिट्टी में रूट अच्छे से नहीं बनी होती है। और हम लोग जल्दबाजी में कटिंग को इधर उधर शिफ्ट करने के चक्कर में कटिंग को ख़राब कर देते हैं, वो ख़राब हो जाती है क्योंकि उसमें रूट अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है। आज हमारे यहाँ अच्छे से धूप निकली है तो मैं अपने गार्डन का कुछ काम की जब तक सिवाय सोए थे। तो मैंने कुछ गमलों की मिट्टी की गुड़ाई कर दी, ये हाइब्रिड बिंका है, इसकी गुड़ाई करना बाकी ही रह गया। और ये देखिए, ये जो कटिंग लगाई थी इसमें ये देखिए कली बन गई है, जब लगाई थी तो कली नहीं थी। आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, लवली गार्डन डायंथस की कटिंग किस तरीके से ग्रो करना है इस तरीके से डालकर। और ये तो मेरे वही पुराने सब प्लांट है, तो मैं सोच रही हूँ इस वाले गेंदे के प्लांट को अलग शिफ्ट कर दूँ ताकि इसको अच्छे से स्पेस मिलता रहे और ये फ्लावरिंग अच्छे से करे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये डायंथस है तो जो कि काफ़ी जगह कवर करता है। और इस टाइम में मैं विंटर में हम लोग टेरेस पे ही ज़्यादातर वक्त बिताते हैं, तो इन दिनों में मैं अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर देती हूँ विंटर एंड में। तो आज कल मैंने ये लगाया, इसको रिपोर्ट किया और यही देखिए ब्रांच टूट गई थी तो यहाँ पे इसको लगा दिया। और ये गेंदे का पौधा, दो भिंका और ये वाला प्लांट भी मैंने